हेलो व्यूअर्स, आइए रुख करते हैं प्रतिभा की रसोई की ओर और जानते हैं आज क्या बन रहा है। हेलो प्रतिभा। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ प्रतिभा की किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी गट्टे। राजस्थानी गट्टे? हाँ जी बिल्कुल, शाही सब्जी बनाएंगे। ये शाही सब्जी मानी जाती है राजस्थान में। इसके लिए मैंने 1.5 गिलास पानी चढ़ा दिया है कुकर में। आप चाहे तो कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुकर इसलिए लिया है कि थोड़ी जल्दी बन जाए। तो गट्टे के लिए है बेसन। बेसन 1 कटोरी लिया है मैंने, और इसी के साथ में लिया है मैंने अजवाइन 1/2 चम्मच। आप इसको क्रश कर लें थोड़ा सा। अजवाइन मैं इसलिए डाल रही हूँ, बेसन पेट में जाके गर्मी ना करे और ये आसानी से पचे। इसी के साथ में मैं रेड चिली डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया और ये है कुटा हुआ धनिया। धनिया तो हम पहले डाल चुके हैं इसमें पिसा हुआ। हाँ, ये अलग टेस्ट देता है, हर एक चीज का अलग टेस्ट होता है, वो पिसने के बाद में अलग टेस्ट देता है। जैसे ही मिर्च है, नमक है, हर एक चीज का अपना अपना टेस्ट होता है। ओके, पिटने के बाद अलग टेस्ट है। हाँ, और साबुत का अलग टेस्ट है। ओके ओके। और मैं थोड़ा सा जीरा भी डाल रही हूँ इसमें, जीरा गुड फॉर हेल्थ। ओके, इसी के साथ में मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ मोइन के लिए। देसी घी? हाँ जी बिल्कुल, देसी घी है। थोड़ी सी मेथी डाल रही हूँ मैं इसमें, कसूरी मेथी। हाँ जी, धनिया अवेलेबल हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम अच्छी तरीके से मोइन को मिला लेंगे। जो हमने घी डाला था उसको मिक्स कर लेंगे इसमें। हाँ जी बिल्कुल। 1 चम्मच नमक। हाँ जी, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला है 1 कटोरी बेसन में। अब मैं इसे गुनगुने पानी से आटे की तरह गूंद लूंगी। ना इसको ज्यादा टाइट करना है ना ही ज्यादा पतला रखना है। तो गुनगुने पानी से इसको हम गूंथ रहे हैं आटे को। हाँ जी। इतने आटे में हमारा पानी बिल्कुल थोड़ा सा लगा है। अब हम आटे की गोलियां बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा घी लगाकर गट्टे का आकार दे देंगे इसको। ओके, इसको बेलनाकार हम तैयार कर लेंगे बिल्कुल आटे को। आप पतले चाहे तो पतले भी बना सकते हैं। इसी के साथ में मैं पानी में डाल दूंगी इसको। पानी गर्म जो है। हमारा पानी गर्म हाँ। हो रहा था कुकर के अंदर। हाँ जी। ओके, गट्टे हो गए हैं बिल्कुल तैयार। हाँ जी बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे जिस डोंगे में मैंने बनाए थे इनको। इनको देखने का ये तरीका है कि इसको ऊपर लाके देखो, व्हाइट व्हाइट इसके ऊपर एक परत आ जाती है, इस टाइप के बबल्स आ जाते हैं इनके ऊपर। ओके, तो इसका मतलब है ये पक चुके हैं। और मैंने एक साइड में तेल चढ़ा लिया है यहाँ पे, ये सरसों का तेल चढ़ाया है मैंने। मैं जीरा डाल रही हूँ इसमें, हल्दी, इसी के साथ में मैंने 4 बड़े प्याज काट लिए थे,
इसका मसाला तैयार होता है। इतने हम हमारे गट्टों को कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में इनको काट लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। एक कटोरी दही ले लिया है मैंने, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, रेड चिली, धनिया पाउडर दो चम्मच डाल रही हूँ मैं बड़े, आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, आधा चम्मच करीब। इससे हमारी सब्जी की ग्रेवी तैयार होगी। हाँ जी बिल्कुल। ये हम मिक्स करके जो हमारा प्याज का मसाला भून रहा था हम उसमें डाल देंगे। अब ये गट्टे हम ग्रेवी में डाल देंगे। और इसे पकने देंगे थोड़ी देर। गट्टे की सब्जी में बहुत अच्छा रंग आ गया है और हमारे गट्टे की सब्जी तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। बहुत खूब प्रतिभा जी, गट्टे की राजस्थानी सब्जी बिल्कुल तैयार है हमारे खाने के लिए। हाँ जी, जो एक बार इसको खाएगा वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। वाह 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 वाह, थैंक यू, धन्यवाद।